नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, UPSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जिसका डेट 4 अक्टूबर 2020 को दिया गया है, वो है EPFO EO AO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा UPSC के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे इसका रिक्रूटमेंट होता है, क्या एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है दोस्तों, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, पे ग्रेड क्या है, सैलरी क्या है। दोस्तों, जो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जनवरी महीने में एक नोटिफिकेशन आया था UPSC की तरफ से, ठीक है, जिसमें 421 वैकेंसीज दी गई थी, ठीक है दोस्तों। इस पोस्ट का नाम था इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर होता क्या दोस्तों, ये EPFO में दोस्तों लेवल 7 की ग्रेड की जॉब होती है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है। और ये मतलब समझ लीजिए कि UPSC द्वारा इसका एग्ज़ाम का परीक्षा आयोजित कराया जाता है। इसमें दोस्तों सिंपल वे में एक एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसके बाद फिर एक सिंपल इंटरव्यू होता है। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद दोस्तों, जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, वन लाइनर होता है, ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद उसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं फिर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि UPSC की तरफ से हो रहा है तो दोस्तों ये मतलब समझ लीजिए कि इसका लेवल कैसा होगा एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए बात करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन लोग ये, किन लोगों के लिए ये EO की जॉब है और इसके लिए कैसे तैयारी करें और क्या क्या बुक लिस्ट है, ये सब चलिए हम अब जानते हैं। दोस्तों, 421 वैकेंसी जो है UPSC की तरफ से मेंशन किया गया था इस नोटिफिकेशन में। और दोस्तों, इसका जो पे मैट्रिक्स है ये 7 CPC है, मतलब जो है इसका जो पे मैट्रिक्स है 7 लेवल, मतलब वही 48,000, 49,000, 50,000 जो इसका सैलरी, मतलब जो है इनिशियल पीरियड में बेसिक पे के हिसाब से बनेगा, फिर बाद में इन हैंड जो है मोर देन 60,000-50,000 के आसपास आता है ये, ठीक है। दोस्तों, ये सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की जॉब है जो कि बाद में जाके आपका प्रमोशन होता रहता है, ठीक है। इसमें मतलब प्रमोशन दोस्तों, इसमें आप लेबर कमिश्नर तक बन सकते हैं, मतलब ऐसी जॉब है ये, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है क्योंकि इसका पिछला रिक्रूटमेंट तो मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ही हुआ था, 2017-18 में शायद हुआ था, उसके बाद अब ये आया है। दोस्तों, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई थी 30 साल, ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी थे OBC के लिए 3 ईयर्स, ठीक है, और इसके अलावा जो और भी एज़ पर जो नॉर्म्स है, ठीक है, उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन जो है दिया गया है। दोस्तों, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया था, मतलब इस अगर ये आपके पास नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, डिज़ायरेबल में से MBA हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ठीक है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो गए, ये सब डिज़ायरेबल है। अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप सिंपल बैचलर हैं, बैचलर इन एनी सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। दोस्तों, फिलहाल ये होगी बात क्वालिफिकेशंस और इसका पे मैट्रिक्स और इस लेवल की जॉब के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, कुछ EPFO के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। हेडक्वार्टर जो इसका दोस्तों न्यू दिल्ली में है, ठीक है, द ऑफिसर रिक्रूटेड आर लाइबल टू पोस्टेड एनी वेयर इंडिया, मतलब आप अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इंडिया में कहीं भी आप पोस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। इसका 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है दोस्तों, मतलब आप सेलेक्ट होने के बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और इसका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है दोस्तों, पेन और पेपर बेस्ड भी है। UPSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स, मतलब मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मोस्टली क्या मतलब सभी एग्ज़ाम एक तरह से वो पेपर बेस्ड ही होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंपल आपको जो है, जैसे आप UPSC का सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होता है वो भी पेपर एंड पेन बेस्ड ही होता है, तो वही है दोस्तों, ठीक है। और इसमें दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एक एग्ज़ाम होगा उसको आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम डेट तो ही है 4-10-2020 को मेंशन किया गया है। अब दोस्तों, इसमें जो इसका क्राइटेरिया है एग्ज़ाम्स का EO और अकाउंट ऑफिसर के लिए, दोनों पोस्ट दोस्तों सेम ही है, अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, ये दोनों पोस्ट दरअसल सेम ही है,
उनका क्राइटेरिया है, कभी अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट दे देते हैं या इन्फॉर्मेंस इन्फोर्समेंट ऑफिसर की आपको पोस्ट दे देते हैं, मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, स्कीम्स क्या, मतलब इसका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या है। तो दोस्तों 2 घंटे का एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है, दो घंटे का इसका क्वेश्चन पेपर होगा और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके नंबर इक्वल रहेंगे, इक्वल मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, मतलब अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों तो उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन, मतलब इसमें 1/3 जो है वो दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है दोस्तों। क्या सिलेबस है? सिलेबस दोस्तों ये वही है जो ज़्यादातर लोग जो तैयारी वारी करते हैं UPSC की या PCS वगैरह की या जो जितनी भी हो, वही सेम सिलेबस ही है। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, जैसे मतलब जैसे शुरुआत की बात की जाए तो जनरल इंग्लिश वगैरह है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे SSC के लोग और भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी वारी करते हैं, सेम लेवल की जनरल इंग्लिश की बात की जाए तो वो है। मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मेंशन किया गया स्पेशली, वैसे क्वेश्चन आगे पीछे होता रहता है, ठीक है, लेकिन स्पेशली बाकायदा इसको मेंशन किया गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है इसके बारे में, फिर बुक लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बुक लिस्ट मैं बता ही देता हूँ अभी, चलिए। ठीक है दोस्तों, जनरल इंग्लिश तो आप तो पढ़ते ही, कहीं भी कोई कुछ भी रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए दोस्तों राजीव अहिर की एक बुक आती है, IPS ऑफिसर है वो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, उसके ज़रिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। और करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ के लिए दोस्तों तो आप जो है, मतलब अगर आप जो है द हिंदू पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो जो है, या फिर करंट अपडेट जो है, या मतलब दोस्तों पिछले एक साल का जो मैगजीन्स है, जैसे विजन IAS का हो गया या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मैगजीन्स है, उसको आप बकायदा उसमें उससे आप पढ़ सकते हैं। पिछले एक साल का जो है करंट अफेयर्स आपको मतलब पूछता है, तो एक साल का आप जो है किसी मैगजीन के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, और डेली बेसिस पे आप जो है द हिंदू पढ़ सकते हैं, या द हिंदू के अलावा रही तो कुछ आप राज्यसभा TV देख सकते हैं, या हिंदी मीडियम वालों के लिए जनसत्ता है, अब देखते रहिए। अब दोस्तों इंडियन पॉलिटी की बात की जाए तो दोस्तों एक ही बुक है जो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और एनफ है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज वाले ज़्यादा फॉलो करते हैं उसको स्पेशली। वो बुक का नाम है दोस्तों M. लक्ष्मीकांत, ठीक है दोस्तों, ये बुक है पॉलिटी की, आप इसके ज़रिए पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों जनरल अकाउंटिंग की बुक है दोस्तों, एक मिनट आपको बता देता हूँ दोस्तों ये है M. लक्ष्मीकांत की बुक, हिंदी में है, आपका इंग्लिश वर्जन है उसको आप ले सकते हैं। ये आपका M. लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है, इसको आप जो है लेके आप पढ़ सकते हैं, इसलिए तैयारी पॉलिटी की पूरी तैयारी इससे हो जाएगी आप। और दूसरी बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब वैसे बहुत सारे सोर्स हैं लेकिन फ़िलहाल आप ये बुक ले सकते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए तो M. लक्ष्मीकांत हो गया, उसको आप पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आप राजीव अहिर की IPS जो है उनकी बुक ले लीजिए, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री वो ले लीजिए। लेकिन दोस्तों उसके अलावा इसमें दिया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर उसके अलावा लेबर लॉज दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, और उसके अलावा दोस्तों सोशल सिक्योरिटीज़, तो उसके लिए दोस्तों ये बुक ले सकते हैं, चौधरी एंड सन्स की चौधरी की बुक है दोस्तों, EPFO परिवर्तन अधिकारी खाता अधिकारी इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर। इसमें दोस्तों प्रीवियस के जो क्वेश्चंस पेपर भी दिए हुए हैं, और दोस्तों इसमें जो है बाकायदा जो है एनालिसिस किया हुआ सही से, इसमें आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ के बारे में मतलब ठीक ठाक दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी एक्स्ट्रा उसमें सिलेबस दिया हुआ है, वो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चौधरी जी की एक बुक है ये EPFO की, ठीक है, इसको आप स्पेशली नामी है EPFO की, आप इसको जो है इससे तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बुक लिस्ट तो हो गया, जनरल इंग्लिश हो गई, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल राजीव अहिर IPS की बुक, स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की, करंट अवेंट के लिए आप एक साल का पिछले साल का कोई मैगजीन उठा लीजिए, चाहे किसी भी कोचिंग का, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के लिए M. लक्ष्मीकांत, ठीक है, काफ़ी है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल लेबर लॉज के लिए जो दोनों लास्ट में दिया हुआ है 5th और 6th ऑप्शन, इसके लिए आप वही जो मैंने बताया अभी EPFO की बुक आती है चौधरी जी की, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके अलावा और भी सोर्स हैं वो आप देख लीजिए,
क्या है, लेकिन फिलहाल वो एनफ है, वो पढ़ सकते हैं आप एनफ। हाँ एनफ ही एक तरह से कर सकते हैं, बाकी आप इसके वेबसाइट पर जाके और बाकी आप कोचिंग मटेरियल्स कहीं भी आप जाके जो भी है आप ऑनलाइन लेबर लॉस वगैरह आप सर्च मारेंगे वहाँ से मिल जाएगा, उसमें कुछ एक्ट्स वगैरह हैं ठीक है दोस्तों, लेबर एक्ट ये सब चीज़ें जो है फैक्ट्री है सब जो एक्ट वोट्स है वही सब चीज़ें आप नेट पर जाके भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों मोटा मोटा जो है बुक लिस्ट हो गया, इसके ज़रिए आप तैयारी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। जनरल साइंस के लिए आप जो है नॉर्मली जो भी अगर न्यूज़पेपर ज़्यादातर इसमें जो है करंट आप करंट बेस्ड भी साइंस पूछा जाता है दोस्तों, चंद्रयान लैंडर क्या था ठीक है, रोवर क्या था, ये सब चीज़ों को है जैसे जो भी प्रेजेंट में चल रहा है तो इसमें वही पिछले एक साल का जो भी अपडेट है साइंस से रिलेटेड, आप कोचिंग पढ़ेंगे कोचिंग का मटेरियल लेंगे एक साल का करंट अफेयर तो उसमें साइंस का पोर्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पे आप चाहे हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता पढ़ रहे हो चाहे आप जो है द हिंदू पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसमें करंट अफेयर करंट अपडेट ही पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों। कंप्यूटर एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, कहीं से भी आप चाहे लूसन से पढ़ लीजिए कहीं से भी जो है ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है कंप्यूटर बेस्ड। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आता है दोस्तों, तो रीजनिंग और थोड़ा सा बहुत मैथ इसे पूछता है दोस्तों, तो उसके लिए आप एक बुक आती है RS अग्रवाल की, उससे जो है आप जाके पढ़ सकते हैं। सोशल सिक्योरिटीज़ के बारे में आपको बता ही दिया दोस्तों, चौधरी जी की एक बुक आती है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मिला जुला के यही कुछ 3-4 बुक है दोस्तों, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। M. लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, राजीव अहिर की मॉडर्निटी स्पेक्ट्रम की, और EPFO मतलब की एक बुक आती है EPFO के नाम से ही, जिसमें आपको दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल और लेबर लॉज सोशल सिक्योरिटीज वहाँ कवर हो जाएगा। साइंस आप करंट अफेयर कोचिंग मटेरियल से देख सकते हैं ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप कुछ अलग से लूसन देख लीजिए ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए आप जो RS अग्रवाल के पढ़ सकते हैं, यही सब चीज़ें हैं दोस्तों ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसका जो रेशियो है सिलेक्शन का दोस्तों इसमें 75 और 25 का दिया हुआ है, मतलब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों 75% आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट और 25% जो है आपका इंटरव्यू रिटेन और इंटरव्यू के बिहाव पे जो है सिलेक्शन होगा दोस्तों ठीक है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों आपका जो है सेंटर्स हैं एग्जामिनेशंस के, ये तमाम जो सेंटर्स दिए हुए हैं, मतलब अगर आप कहीं भी जो है इतने फॉलोइंग जो भी सेंटर्स हैं यहाँ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका नोटिफिकेशन ठीक है, जिसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, क्या क्या बुक लिस्ट पढ़नी चाहिए। टाइम वैसे है दोस्तों 2-3-4 महीने का टाइम मिला हुआ अगर आपको तो उसमें आप सही से तैयारी कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों 2-3 साल बाद ही आई है, अब अगली वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, तो आप सही से पढ़ाई कर सकते हैं और ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरह क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं ठीक है दोस्तों, सबका नंबर इक्विवेलेंट रहता है, सब बराबर नंबर बराबर होते हैं, सबके मार्क्स बराबर होते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, देखिए इसमें किस तरीके क्वेश्चन आते हैं ठीक है। सिंपल जो है ऐसे ही जो है वन लाइनर ठीक है, ABCD ऑप्शन मल्टीपल चॉइस सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें आपको जो है देखना है सिंपल क्वेश्चन रहेगा अच्छा, मतलब UPSC के जरिए हो रहा है, UPSC के द्वारा ये क्वेश्चन आयोजित की जा रही है दोस्तों, ये UPSC के द्वारा जो है ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो इतना आसान भी नहीं है, भले ही वन लाइनर क्वेश्चन है ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें सोल्यूशंस है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ इन कंपेयर टू मतलब सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है वो कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा होता है, इसमें फैक्चुअल बेस्ड मतलब ज़्यादा कह सकते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, UPSC के जरिए एग्ज़ाम होना है ये तो, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों ठीक ठाक ही आता है। तो 120 क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन ये पहला जो है व्हाट इज़ द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस आई गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें जैसे इंग्लिश का ये पोर्शन हो गया, तो ऐसे हम नीचे आएंगे तो इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा अवेलेबल दोस्तों, तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं ठीक है। और अब जैसे देखिए सिंपल जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित घटना का कालानुक्रम क्या है, मतलब सीक्वेंस में बताइए इसका ठीक है, ये सब दिया हुआ क्वेश्चन ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये रीजनिंग का दे दिया कुछ दोस्तों, इस तरीके क्वेश्चन आएगा
अभी ये दोस्तों जो है कुछ इसमें जो है पॉलिटिक्स शुरू हो गए हैं, ऐसे ही करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। मतलब अब जैसे ये है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एक्सपीडियसली फिजिबल इन जोन ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपी वाज होज ये थेसिस, ठीक है दोस्तों। ऐसे देखिए, अब देखिए भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, मतलब भाई हिंदी का वर्जन है ये, इंग्लिश में दिया हुआ था ऊपर। तो इस तरह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आप देख लीजिए। एक यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, अब बताइए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जा रही है, स्थिति में वह अपने पक्ष में मत दे नहीं पाएगा दोस्तों, तो इससे क्या होगा आप सोचिए। तो इस तरीके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे टोटल जो है 120 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, पिछली बार का ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। टोटल जो है दोस्तों आपका 120, देखिए 120 असर्टेशन भी आता है, कथन और मतलब उसका जो है कथन पूछ लेगा और उसके बारे में ऑप्शन दे देगा कौन सा कथन सही है। तो 120 क्वेश्चन जो है पिछली बार दोस्तों पूछा गया और 120 क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों ये रहा EPFO के बारे में अपडेशन, क्या नोटिफिकेशन थे उसके, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। टाइम बहुत है, आप तैयारी करिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आने वाले जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करिए और हो सके तो शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय।